जिस तरह अपनी बॉडी को यंग एनर्जेटिक और फिट रखने के लिए हम बहुत तरह के योगा फॉलो करते हैं एक्सरसाइज फॉलो करते हैं उसी तरह कुछ तरीके कुछ योगा कुछ एक्सरसाइज कुछ वेरिएशंस होते हैं आपके फेस को ग्लोइंग और यूथफुल बनाने के लिए तो मैं गरीबा तिवारी अपने व्यूवर्स के लिए आज लेकर आई हूँ फेशियल योगा के कुछ तरीके कुछ वेरिएशन जिससे कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकूँ तो चलिए देखते हैं पहले कि इसके फ़ायदे क्या हैं अगर मैं फेशियल योगा के आ, फायदों की बात करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन कुछ फायदे मैं आपको गिनाना चाहती हूं जो आपको विद इन अ वीक साफ तौर पर नज़र आएंगे पहला जो फायदा है जो एक्स्ट्रा फैट होगा आपके फेस पे जो इधर उधर से आ, एज के साथ जब हमारी इलेस्टिसिटी कम होती है स्किन में लटक जाते वो सब कुछ डे बाय डे हील होने लगेगा फैट कम होने लगेगा चेहरा पहले से स्लिमर होने लगेगा जो दूसरा फायदा है आपके जो फीचर्स हैं वो डिफाइन होने लगेंगे जैसे कि हमारी बॉडी टोन होती है ना एक्सरसाइज से, ठीक उसी तरह आपका चेहरा भी जो है टोन्ड लगेगा स्लिमर तो लगेगा ही साथ में आपके फीचर्स जो है वो कायदे से डिफाइन होने लगेंगे जिससे आपकी खूबसूरती में चार चांद लगेंगे नेक्स्ट जो होता है जैसे एक्सरसाइज से हमारे स्किन का ग्लो बढ़ता है उसी तरह जब आप फेशियल योगा के कुछ वेरिएशन अपनाते हैं अपनी लाइफ में तो आपकी स्किन की हेल्थ बढ़ती है हमारे स्किन उसी तरह अगर आप फेशियल योगा अपनाते हैं तो आपकी स्किन यूथफुल होने लगती है उसका ग्लो ऑटोमेटिकली पढ़ने लगता है जो जिस पर रिंकल आ गए हैं या एक्ने हो गया है या बहुत तरह की जो स्किन प्रॉब्लम होती है वो दूर होने लगती है क्योंकि जब आप फेशियल योगा करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे का बढ़ता है जिससे कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जो ऊपरी तौर पे हमें अक्सर हो जाए करती है वो दूर होने लगती है टाइड होते हैं तो थोड़ी सी थकान आपको चेहरे पर भी महसूस होती है तो आप उस दौरान भी अगर फेशियल योगा करते हैं तो यकीन मानिए आपके चेहरा जो है ना उसकी थकान दूर होगी चेहरा रिफ्रेश हो जाएगा तो इतने सारे फायदे हैं जिनमें से थोड़े से फायदों को मैंने आज, आज आपको गिनाया और बहुत सारे फायदे आप खुद महसूस करेंगे एक्सपीरियंस करेंगे और एक्सपीरियंस करने के लिए ये फेशियल योग आप हमेशा जो है अपनाते रहेंगे तो चलिए अब मैं बताती हूं कि कौन कौन से फेशियल योगा मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ करना कैसे और कितनी देर करना है फेशियल योगा की शुरुआत हम आँखों से करेंगे इसके लिए अपने दोनों फिंगर्स को ऐसे अपने आँखों के ऊपर नीचे टिकाना है आपको ठीक आइब्रो के नीचे रखेगा आईब्रो से फिंगर्स नहीं रखना है और खींच के ऊपर की ओर ले जाइए और नीचे भी अपने फिंगर्स जो है अपना अंगूठा उसके टिप को टिकाए रखिए ताकि आपको एक पूरा सपोर्ट मिले उसके बाद आँखों की पुतलियों को केवल सर्कुलर मोशन में घुमाना है चारों तरफ क्लॉक भी और एंटी क्लॉक भी यहाँ मैं आपको टाइम फाइव टाइम्स करके दिखा रही हूं लेकिन आपको ट्वेंटी 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 थ्री टाइम्स ट्वेंटी सेकेंड के लिए करना है जिससे कि आपको एक पूरा खिंचाव मिलेगा और आसपास के रिंकल्स जो हैं दूर होंगे और आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं वो भी ठीक होंगे और आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी आंखों की दूसरी एक्सरसाइज है इसके लिए हमें पूरे चेहरे को स्टेबल करते हुए केवल आंखों की पुतलियों पर ध्यान देना है उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना है आप पहले बाएं देखें फिर नीचे फिर दाएने फिर ऊपर ये थोड़ा आराम से आप कर पाएंगे धीरे धीरे आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है फिर आंखों को बंद करके गहरी सांस लीजिए मैं थोड़ा तेज करके आपको दिखाती हूँ कि थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद आप इस तरह से भी स्पीड बढ़ाकर कर सकते हैं एंटी क्लॉक भी और क्लॉक भी आपको टेन टेन सेकेंड के लिए थ्री टाइम्स ये करना है जिससे कि आसपास की जो स्किन है वो टाइट होगी काले घेरे भी दूर होंगे फेशियल फैट को कम करने के लिए हम एक तरफ मुंह में हवा भरेंगे फॉर टेन सेकेंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलीज करिए फिर दूसरी साइड मुंह में हवा भरिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हवा रिलीज करिए और रिलैक्स एक्सरसाइज है लेकिन मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है इसमें आपको पाउड की तरह होटो को बाहर निकाल कर पूरे चेहरे को थोड़ा प्रेशर देते हुए जेंटली लेकिन रोटेशन देना है पूरा एक सर्कल बनाते हुए घुमाना है लेफ़्ट टू राइट कंप्लीट करिए फॉर टेन सेकेंड फिर राइट टू लेफ़्ट कंप्लीट करिए टेन सेकेंड और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ट्वेंटी ट्वेंटी टाइम्स इसको कर जाइए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये एक एक्सरसाइज आपके चेक एरिया को और चिन एरिया को एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टारगेट करती है पूरा फैट आप देखेंगे इन अ वीक आपको लगेगा कि आपका चेहरा स्लिम होता जा रहा है फैट कम होता जा रहा है एक्सरसाइज uh, देखने में वियर्ड लगती है लेकिन इसके रिजल्ट देख के आप अमेज्ड हो जाएंगे तो इसको अपनाइए अगर आप धीरे धीरे इसको करने की प्रैक्टिस हो जाती है तो फोर्टी टाइम्स तक इसको बड़े आराम से कर सकते हैं ये लिप एरिया के आस पास के भी जो है रिंकल्स होते हैं जो फाइन लाइंस होती हैं उनको भी टारगेट करती है जो गर्दन पर भी जो लाइंस बनती है उसको भी टारगेट करती है तो एक साथ ये कई एरिया को टारगेट कर रही है इसलिए इसको अपने फेशियल योगा की रूटीन में ज़रूर शामिल करें और कम्प्लीटली अच्छे से प्रैक्टिस करें लिप को शार्प करिए होटो को टाइटली बंद करिए मुंह के अंदरी दीवारों पर इस शार्प टंग को टच कराते हुए सर्कुलर मोशन में एटलीस्ट ट्वेंटी टाइम्स रोटेट करिए ये देखने में आसान लगने वाले एक्सरसाइज जो है फेशियल योगा जो है बहुत ही इंटेंस है और इसके रिजल्ट ये होंगे कि आपका चिन एरिया स्लिम होता जाएगा होटों के आसपास जो फाइन लाइन होती है वो दूर होती जाएगी चेक एरिया भी डिफाइन होगा स्पेशियल योगा में आपको पाउड बनाकर भोंटों को बाहर की ओर निकाल कर टाइटली पकड़ कर रखना है और आंखों की पुतलियों को छत की दीवारों पर टिका कर रखना है चेहरे का कोई भी हिस्सा नहीं हिलना चाहिए बीस सेकेंड तक होल्ड रखिए इसको तीन से चार बार रिपीट करिए ये एक्सरसाइज़ जो आई लीड हमारी ड्रॉप हो जाती है और आंखों के आसपास का एरिया जो ड्रॉप हो जाता है बिल्कुल अजीब सी लगती हैं वहाँ और रिंकल्स आ जाते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है उंगलियों को ऐसे मोड़ कर जो है आपको आईब्रोज़ को उस पर होल्ड करना है सर को थोड़ा सा नीचे की ओर बेंड करेंगे और उंगली को ठीक जो है अपने आईब्रोज़ के नीचे लगा कर रखेंगे थोड़ा सा टाइटली ताकि उस पर प्रेशर आए अगर आपके आँखों के आसपास ड्राइनेस है तो ऑयल अप्लाई करना कोई एलोवेरा जेल अप्लाई करना अंडर आई जेल हो वो अप्लाई करना ना भूलें इसको आप आराम से 20 -30 से 30 सेकंड तक दो से तीन बार ये रिपीटेशन आप कर सकते हैं ये थोड़ी सी वियर्ड एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ऑंटों को ओ शेप में करिए अंदर की ओर बेंड करिए आँखों को छत की दीवार पर टिकाइए और पूरे आ, फेस को स्टेबल रखते हुए 20 सेकंड तक इस तरह होल्ड करिए तीन बार रिपीट करिए इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली स्ट्रेचिंग के लिए फ्रोजन शोल्डर और चिन एरिया को टारगेट करता हुआ ये योगा पॉस्चर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फिंगर्स को लॉक करते हुए हाथों को आगे खींच के रखें और अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन को मोड़ते हुए पाउड बनाते हुए होठो से ऊपर की ओर गर्दन को खींच कर रखे फॉर 20 सेकेंड दूसरी ओर से भी यही सेम एक्सरसाइज रिपीट करिए ये फेशियल योगा आपके पूरे फेशियल फीचर्स को टारगेट करता है नेक एरिया को भी टारगेट करके चिन एरिया को शार्पन करता है इसके लिए पाउड बनाते हुए ऊपर की ओर होंट करें और पीछे ई बोलते हुए पूरा खिंचाव करें जिससे कि नेक वाला पोर्शन चिन वाला पोर्शन भी जो है देखिए वहाँ के फैट बर्न होना शुरू हो जाएंगे ट्वेंटी सेकेंड्स तक थ्री टाइम्स इसको रिपीट करें योगा करते समय दो चार बातों का आपको ध्यान रखना होगा जैसे कि आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तब तो आपको ऑयल लगाने की या एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है केवल आप ये वेरिएशन करिए लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है या ड्राई हो जाती है इन दिनों ड्राई हो रही है किसी भी कारण से तो आप कुछ भी मॉइस्चराइजर फेशियल क्रीम मलाई अवेलेबल हो एलोवेरा हो कुछ भी आप अप्लाई करने के बाद ही ये करें सोने के 10 मिनट पहले ऑयल लगाएं और ये एक्सरसाइज करने के बाद ऑयल को पोछ दें क्योंकि गर्मियां हैं रात भर अगर अपने फेस पे ऑयल रहने देंगे तो वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान करेगा और जो एक बात है शुरू में ही आप सारी एक्सरसाइज को बहुत देर देर तक मत करिए जिससे आपको मसल्स पेन होने लगेगी स्टार्टिंग में एक दो जो आपके लिए आसानी पड़ता है वो करिए जब एक दो दिन बीत जाए और आप उसको एडॉप्ट कर लें फिर एक या दो एक्सरसाइज उसमें ऐड कर लें धीरे धीरे कर कर ग्रेजुअली टाइमिंग भी बढ़ाएं और एक्सरसाइज की आ, जो है वेरिएशंस को भी बढ़ाएं जिससे कि आपके मसल्स उसके लिए रेडी हो जाएंगे और एकाएक आपके चेहरे की मसल्स पे ज़्यादा खिंचाव नहीं पड़ेगा पेन नहीं फेशियल योगा के भरोसे मत रहेगा ये एक पार्ट को टारगेट करता है आपके फेशियल फीचर्स को डिफाइन करेगा आपकी स्किन को यूथफुल बनाएगा ग्लो ले आएगा और रिंकल्स को दूर करेगा एक्ने को हील करेगा आपके स्किन को टाइटन करेगा लेकिन अगर आप अपने डाइट का ध्यान रखते हैं साथ में डॉक्टर के बताए के अनुसार मल्टीवाइटमिन लेते हैं और जो है फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं चीनी से दूर रहते हैं अच्छी नींद लेते हैं बहुत सारा पानी पीते हैं फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं कुछ देर धूप में बैठते हैं सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं कॉपर की लोटे में या वैसल में रखा हुआ पानी चार्ज करके पीते तो ये सारे तरीके मिल के आपको खूबसूरत बनाएंगे आपके स्किन पे वो साफ साफ रिफ्लेक्ट करेगा तो फेशियल योगा को भी इन सभी चीज़ों के साथ अपनाइए केवल फेशियल योगा से आपके फीचर्स ही डिफाइन होंगे जो बात रही उसके हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए ये सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपको और किस चीज की जरूरत है और आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे तो वो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा साथ में अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ साथ वो भी अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाए इसके फेशियल योगा के साथ मैंने पिछली अपने कई वीडियो में आपको एक बार बताया था चिन एक्सरसाइज अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आप वो एक्सरसाइज भी फॉलो कर सकते हैं साथ में इस योगा के साथ आप डबल चिन की एक्सरसाइज भी एड ऑन कर लें तो आपको बहुत सारे और फायदे होंगे आपका चिन एरिया भी डिफाइन होने लगेगा साथ में इस बार मैंने फेशियल योगा के लिए तो बहुत सारी चीजें बता ही दी हैं तो आप अपने फेस को भी डिफाइन करिए साथ में चिन एरिया पे जो डबल चिन की समस्या है उससे भी निजात पाए तो ये सारी चीजें करिए अगले हफ्ते हम जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए और साथ में घर पर ही रहिए तो चलिए तब तक के लिए हैव अ हैप्पी हेल्दी जर्नी थैंक्स फॉर वॉचिंग